हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर लाए गए मोनू मानेसर को गोपालगढ़ थाना पुलिस ने कामा कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। मोनू मानेसर से पुलिस 2 दिन तक अब पूछताछ करेगी। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, भरतपुर लाई राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को। राजस्थान पुलिस ने पहले कोर्ट में पेश किया था और वहां से फिर ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। मोनू मानेसर को 14 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। और नासिर जुनैद हत्याकांड में नामजद आरोपी मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर भरतपुर लेकर पहुंची। रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह ने बताया कि मोनू उर्फ मोहित मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे अब राजस्थान पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पहुंची है। पूछताछ के बाद मामले में खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि मोनू मानेसर के खिलाफ डीग जिले के गोपालगढ़ थाने में हत्या का मामला दर्ज है। राजस्थान पुलिस ने ले ली है और उसको डीग लाया जा रहा है। उसको नूह पुलिस ने हरियाणा में गिरफ्तार किया था, उनके मार्फत वहां की कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट से लेके आ रहे हैं। तो मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया था, उसके बाद राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। गोपालगढ़ थाने में मोनू मानेसर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज था। यही वो केस है, नासिर जुनैद हत्याकांड का ये मामला है, जिसमें पहले हरियाणा पुलिस हिरासत में लेती है, उसके बाद राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। अब मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस के कब्जे में है और राजस्थान पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी।